आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ गिविन क्वेश्चन है बेसिकली इफ पी क्यू आर एस आर अ फोर को प्लेनर पॉइंट ऑन द साइड ए बी बी सी सी डी डी एफ एस क्यू क्वार देन ए बी अपॉन पी बी इन टू बी क्यू अपॉन क्यू सी इन टू सी आर अपॉन आर डी इन टू डी एस अपॉन एस एक्वल ओके तो हमें यहां पर ओके तो एबीसीडी तो okay, तो अगर को प्लेनर है तो इसका मतलब ए की प्लेन में लाई कर रहे हैं ठीक है थीका? तो मैंने वो प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे मान ली एक्स प्लस बी वाई प्लस जी सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो तो एबीसीडी बेसिकली इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं ठीक है लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट ठीक है और मैं यहाँ पे एबीसीडी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लूंगा ठीक है तो मैंने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन ठीक है ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे मान लिया एक्स टू वाई टू जेड टू सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री ओके ऐसे डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे एक्स फोर बाई फोर और जेड फोर ओके तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी फाइंड करूँ, ठीक है तो ए बी कोई लाइन हमें दे रखी है ठीक है लेट सपोज ये है ए बी ठीक है इस ए बी को ये कोई पी है बेसिकली तो इस साइड ए बी पर कोई पॉइंट पी है ठीक है अब ये पॉइंट पी है तो ये बेसिकली क्या है इसको डिवाइड कर रहा है अल्फा रेशियो रेशन में ठीक है अल्फा रेशियो रेशन में इसको मैंने ए बी अपॉन पी बी बी इसको मान मान लिया alpha, -Q Q लिया अल्फा अपॉन क्यू सी सी बीटा आर अपॉन आर डी मान लिया गामा और डी एस अपॉन ऐसे मान लिया डेल्टा ओके okay. तो अब ए बी को बेसिकली क्या है कोई पॉइंट पी है जो अल्फा रेशियो वन में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो बेसिकली पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेसिकली अल्फा एक्स वन बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं एक्स टू वाई टू जेड टू तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन अल्फा प्लस वन ओके ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन अल्फा प्लस वन ओके ऐसे यहाँ पे हो जाएगा अल्फा जेड अल्फा जेड टू प्लस जेड वन अपॉन अल्फा प्लस वन ओके तो अब ये जो बेसिकली कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के ये भी A, ये सी में, है? तो यहाँ सेटिस्फाई करेंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अल्फा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन अल्फा प्लस वन ओके प्लस बी ठीक है बी और बाई की बाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा y2 टू प्लस वाई वन अपॉन अल्फा प्लस वन ओके प्लस सी और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अल्फा जेड टू प्लस जेड वन अपॉन अल्फा प्लस वन टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो ठीक है तो जब फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अल्फा एक्स टू प्लस ए एक्स वन प्लस बी अल्फा वाई टू प्लस बी वाई वन ओके प्लस c अल्फा जेड टू प्लस सी जेड वन ओके इक्वल्स टू ये अल्फा प्लस वन सब में कॉमन है तो ये मल्टीप्लाई बाई जीरो हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जीरो फाइनली ओके okay, तो अब यहाँ से मैं अगर अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स टू ओके बी बाई टू प्लस सी जेड टू एंड प्लस ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन ओके बी वाई वन प्लस सी जेड वन सी जेड वन इक्वल्स टू जीरो तो फाइनली यहां से अगर मैंने इसको मान लिया पी वन ठीक है और इसको मान लिया पी टू ठीक है तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी माइनस पी वन अपॉन पी टू ठीक है और बाई यूजिंग द सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे अब बीसी साइड लेंगे बीसी साइड पे हम यहाँ पे कोई आर पॉइंट ले लेंगे जो इसको बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इस पे है बीसी साइड पे है कोई आर पॉइंट फिर ठीक है और बी और सी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखे हैं तो इसको जब सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी माइनस पी टू अपॉइंट पी थ्री ठीक है सिमिलरली सिमिलरली ठीक है ऐसे यहाँ पे गामा की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो गामा की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस पी थ्री अपॉन पी फोर ओके और ये है गामा की वैल्यू ठीक है ये है गामा की वैल्यू और जब हम यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी फोर अपॉन पी वन ठीक है तो ऐसे हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन चारों का मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम दैट मीन अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी वन अपॉन पी टू माइनस पी टू अपॉन पी थ्री इन टू माइनस पी थ्री अपॉन पी फोर इन टू माइनस पी फोर अपॉन पी वन ठीक है तो यहाँ पी वन से पी वन कैंसिल आउट पी फोर से पी फोर कैंसिल आउट ओके एक क्या